हल्दी ना हुई। दी क्या दी राखी टाइप है तुम्हें चलो ले लो जल्दी से। हाँ ये लो दे ये लो गाइज वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। खूप दिवसांनी पुन्हा एकदा मी व्लॉग बनवत आहे। कारणही तसंच आहे, आज आहे रक्षाबंधन तर मंकूच्या घरी चाललो आहोत आम्ही राखी बांधायला। खूप दिवसांनी व्लॉग बनवते कारण की तब्येत अशीच थोडीशी वरखाली होत राहते माझी। आज थोडंसं बरं वाटतं आहे कम्पेअर प्रिवियस डेजपेक्षा, सो म्हटलं की आज व्लॉग बनवूया आणि कारणही तसंच आहे रक्षाबंधन आहे। सो चाललोय मंकूकडे, तर चला। क्या हो रहा है? लड्डू ले आ रहा हूं ना। अरे लड्डू है वो, हलवा थोड़ी है। हाय ओए इतनी रॉकी बेबी का हाथ तर देने वाला है। हैप्पी रक्षाबंधन बोलो। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू पापा। सब लोग है लड़ीचर। हाँ आप ही जाना जल्दी तेजी से राखी बंद हो। देखो अच्छे से पाँव नीचे रखते बैठो। अभी नीचे नहीं ठीक है, अभी खाना खाएंगे। Oh my God. तू भी डोरेमोन है। सब याद है मेरे को। तेरे को सब याद है सच्ची? ऐसे दिखाओ मानो जंगल। तूने कार्टून देखा कभी डोरेमोन? ऐसे दिखाओ। बस इतना ही तो दिखा दिया। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे। बस इतना ही तो दिखा दिया। दीदी को पैसा दिया? हाँ पैसा दिया। थैंक यू बोलो दीदी को। अच्छे से खड़े हो। हाँ। पैर पड़ो दीदी का। पहले पाँव पड़ो। पैर पड़ो जल्दी पैर पड़ो। जल्दी से। हाँ ये लो दीदी को। ये लो ये लो दीदी को पैसा दो। से सब ला के दे रहे। सब हां हां सब बांध दे। लो रोहन जी दीदी को तो बैठो। इधर बैठो बैठो। दीदी मैं चाहे तुम्हारा। हां वाह। आरती तेरे पास 1 रुपया है? हां दे रही हूं। लाओ दो 1 रुपया। अरे 3 से बांध दे। अच्छे से अरे रोहन चुप रोहन। लो माया हैप्पी रक्षाबंधन। हमारे इसमें भेद से पैर नहीं छुपाते। भाई पैर छुपा लग जाए तुम्हारे तो हम छीनेंगे तुम्हारे। अरे हम लोग में पैर लोग के छूते हैं। हां लड़कों लोग का पैर छूता भाई हम लोग। अभी ये सब खूब सारे राख्या मुंबईहून आल्या होत्या तर त्या देखील राख्या मी बांधत होते। त्यांच्या बहिणीने आत्याच्या मुलीने अशा राख्या पाठवल्या होत्या तर त्या राख्या देखील मी बांधल्या। दरवर्षी बांधते आणि यावर्षी देखील बांधल्या। खोल के रख दो। राखी तो बहुत अच्छी अच्छी आ गई है। सब एकदम नया नया डिजाइन बहुत है ना। पहले होती थी ऐसे फूल आते थे। अरे यार ये तो बड़ा बड़ा। हाँ वाव वाव यार बात है। हमें ऐसा हालात है ये मामा के। मैं तो कितना रखूँ मंकू को बांधू। अभी ना पहले चार मंगू को बांध दो फिर चार दे दी जरा अलग अलग करके रखिए सब। चार है
ओ माय फ्रेंड गणेशा तू देना साथ हमेशा। हां बिट्टू की रानी बिट्टू की नहीं है। बताओ कैसे लग रहा है? बताओ मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा ओ उसी की जैसी है। रील बनाने वाले हैं। ऐ सवा तो मिक्स हो जाएगी ना। हां एक सारी है ना बिना की। हां ना अपने आप भाई अपने आप चल रहा है भाई। दोनों भाई का साथ में बिठा कर दोनों का बटन ऑन करके आप बताओ आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। आपको क्या गुड बॉय बन गए हो? मैं गुड बॉय बन गया हूँ माँ दीदी। हाँ केक क्यों बने गुड बॉय बताओ? मैं केक खाने के लिए। सिर्फ केक खाने के लिए और पार्टी। आपको इंजेक्शन लगाया ना? अच्छा इंजेक्शन लगा इसलिए तो गुड बॉय बन गया। गुड बॉय बन गया कि ताकि तुझे इंजेक्शन ना लगे। अच्छा मम्मी कौन पहनाएगा? मम्मी या दीदी? मुंबई में थी तो बहन बहन हम लोग एक दूसरे को मानते थे। आरती क्या दी? दे भी दिया वो एक्चुअली एक रुपए के कॉइन की तरह ही दिखता है। तू खा आज तूने बहुत ज्यादा काम किए थे। मां को भी खिलाओ क्या? अब खाओगे? हां बोलो दीदी को खिला देगी। दीदी खिलाओ ना। खिलाओ हां तो मैं मां के लिए लिया। अच्छा ना बस इतना भी काम हो जाएगा मां। अच्छा ये राखी मैंने तो ऐसे उठा ली बस राखी समझ के। अबे तू क्यों इतना हाथ ऊपर लेके आया? शॉट लेना था। फोटो लेकर और चालू नहीं हो रहा है। सबको हाय बोल। हाय कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब लोग? केक मिलेगा। मेरा पीछे कोई कैमरा लगता है? सब कुछ आता है। हाँ तो फिर गा एक बार गा दे मैं। अच्छा मैं? अच्छा इसमें चलाऊं? इसमें चलाऊं? हाँ।
रक्षाबंधन सेलिब्रेट झाल्यानंतर जेवणाची वेळ झाली तर दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील मंकूच्या मम्मीने खूप सारं जेवण बनवलं होतं. खूप सारं जेवण म्हणजे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचं टाईप्स ऑफ डिशेस बनवलेल्या होत्या. दरवर्षी त्या बनवतात त्याप्रमाणे. तर बटाट्याची भाजी होती, दुधी भोपळ्याचा रायता होता आणि दुधी भोपळ्याचा रायता खूप खूप सुंदर लागतो. त्यानंतर छोल्याची भाजी होती, पुलाव होता, मिक्स व्हेज पुलाव होता, पुऱ्या होत्या, पापड होते. तर अशा प्रकारे खूप साऱ्या प्रकारचं जेवण होतं आणि मग आम्ही जेवणाला सुरुवात केली. मैं बहुत गंदी गंदी चीज डालता हूँ इंस्टाग्राम. अरे सही तो यहाँ पे बैठ के कर लो. तर अशा प्रकारे रक्षाबंधन आम्ही सेलिब्रेट केलं आणि छान वाटलं. म्हणजे खूप दिवसानंतर मी थोडीशी अशी तयार झाले होते आणि बरं वाटलं. म्हणजे तयार झाल्यानंतर सगळ्यांनाच बरं वाटतं, तसं मला पण चांगलं वाटलं. बस तर हा व्लॉग जो आहे मी इथेच संपवते आणि होप सो डेली व्लॉगला मी लवकरच सुरुवात करेल. होप सो तर भेटूया नवीन ब्लॉगमध्ये. पण तुमच्या सपोर्टची मला गरज आहे. सो कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट करत रहा आणि माझे व्हिडिओज आवडत असल्यास लाईक करा, तुमच्या फॅमिली आणि फ्रेंड्सबरोबर शेअर करा. जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. सो भेटूया लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये. टिल देन बाय, कीप स्माइलिंग अँड स्टे हेल्दी.